वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे भाई, खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है कॉलेज का ऑफ, तो एकदम सडनली प्लान बना कि चलें आज कहीं घूमने चलते हैं। तो फिलहाल फिर सोचा कि कहाँ जाएं, चलें घूमने के लिए। 2 दिन का सफ़र कहाँ किया जाए और कहाँ घूमा जाए, तो फिलहाल एकदम चेंज हुआ कि चलो आज घूमते हैं, कहीं चलते हैं। तो अभी 2 बजे की ट्रेन है, तो 12:30 हुआ है अभी टाइम। तो निकलते हैं भाई सीधा स्टेशन के लिए और पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। देखते हैं कि कहाँ लेकर जाएगी हमको वो ट्रेन, 2 बजे वाली कहाँ छोड़ेगी। दिखाता हूँ आपको व्यू, क्यों आज कॉलेज ऑफ है और कल भी रहेगा इलेक्शन की वजह से, जो मेयर के इलेक्शन है उसकी वजह से ऑफ रहेगा। तो भाई रूम पे भी क्या करूँगा मैं, तो फिलहाल सोचा कि चलो कहीं घूमते, काफ़ी टाइम से गए भी नहीं कहीं घूमने के लिए। तो भाई आज धूप भी काफ़ी तेज़ है गई यार, गर्मी भी है और 1 घंटा बाकी है अभी ट्रेन की टाइमिंग में। और अभी मैं हॉस्टल से निकलता हूँ, कुछ टाइम पहुँचने में भी लगेगा। और फिर मुझे अभी, मैंने हॉस्टल में नाश्ता भी नहीं किया, तो कुछ बिरयानी शेयर देखना कितनी तेज़ की धूप है। तो ये सामने एक दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर बिरयानी खा लेते हैं जो कि अपनी भूख मिट सके। तो काफ़ी टाइम लगेगा पहुँचने में, यहाँ पहुँचते हैं बिरयानी। और ये आ गई बिरयानी अपनी, भाई आपका इंट्रो जो है यहाँ सिटी स्टेशन पे। पहले सबसे पहले मेन काम रहता है टिकट का, तो अपन एक काम करते हैं, टिकट लेते हैं सबसे पहले। भाई फाइनली जो है वो हम टिकट ले चुके हैं ये वाला। और आज स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, जैसे होती है लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उसकी वजह से लाइन भी काफ़ी थी टिकट की। तो खैर मैं जल्दी आ गया था टाइम से पहले, तो टिकट भी ले लिया। तो अब देखते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन है। तो भाई अभी टाइम है 1/2 घंटा, तो चार्जिंग पॉइंट भी देखना है, जिसकी वजह से भाई फ़ोन भी डाउन हो गया है मेरा। तो ये रहा ऊपर से भी यूज़ का, मिनट हुआ है अभी और ट्रेन है 1:50 पर, तो अभी करीब 40 मिनट बाकी हैं। तो मैं सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिलहाल मुझे भी चार्जिंग पॉइंट भी देखना है जिसकी वजह से मेरा फ़ोन डाउन है। ऊपर चढ़ते हुए भाई, हाँ पानी लगे, हवा बड़ी प्यारी चल रही है यार, कोई हो गया बहुत प्यारी है। देखें आप यहाँ पर इधर सामने और यहाँ रखा है सिटी स्टेशन बरेली का। तो फिलहाल अपना आप सबसे पहले देखते हैं चल के चार्जिंग पॉइंट, ताकि अपना फ़ोन चार्ज कर सकें, डिस्चार्ज ना हो उससे पहले ही फ़ोन चार्ज कर लें, तो अभी 1/2 घंटा है ट्रेन में। तो आज सामने मक्का, ऊपर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना मक्का। कंफर्म तो ये हो गया है कि यही वाली ट्रेन है, मतलब ये वाली ट्रेन ही जाएगी। तो मुझे जो है ना खाली सा नज़र आया था भाई, तो यहीं आके बैठ गया मैं। इस डिब्बे में खाली है, कोई बैठा भी नहीं है, एकदम खाली डिब्बा है। वहाँ से यहाँ तक काफ़ी देर से मैं आ रहा था, लेकिन मुझे जो है वो सीट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन खैर ये वाली सीट मुझे नज़र आई। तो इस डिब्बे में भाई चार्जिंग पॉइंट मिला है, तो पहले चार्जिंग लगाते हैं यार फोन को, डिस्चार्ज ना हो उससे पहले ही लगा लेते हैं भाई। भाई ट्रेन चल चुकी है और मैं बैठ गया हूँ भाई। और ये देखना कि लोग सोने लगे हैं यार ट्रेन में ही, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो नींद आने लगती है ना, तो उसी तरीके से देखें सब कोई किसी के ऊपर अपना सर टेक कर और सो रहा है, मज़े से अपनी नींद को जो है पूरा कर रहे हैं। हवा आती ना जब ट्रेन चलती, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, सब सो जाते हैं। ये देखें ओए होए हो, इतनी सारी भीड़ भाई, ये दूसरी तरफ से ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही है जो बरेली की तरफ जाएगी। कितने सारे लोग हैं यार, ये इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी तेज़ धूप में ट्रेन आने वाली होगी तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं भाई। कितनी तेज़ धूप में खड़े हैं यार, ये सोच रहे हैं कि जल्दी से ट्रेन आए। फाइनली मैं उतर गया हूँ जहाँ मुझे आना था, वहाँ आ गया हूँ, मतलब मुझे किच्छा आना था। तो फिलहाल अपने हुआ है 3:30 बजने को है भाई, और मैं अब आके उतरा, लगभग 2 घंटे का सफ़र रहा। तो अभी चलते हैं, कुछ गेहूँ कज़न के यहाँ आ गया हूँ,
बिल्कुल सब यहाँ सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो भी सब सो रहे हैं, तो भाई मैं भी सोने के लिए सीधा रूम में चलता हूँ। और तो फिलहाल मैं अपनी फूफो के यहाँ आया हुआ हूँ। तो मैंने अभी बीच में आया था तो बेल थी एक अंगूर की, वो सूखी हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह अंगूर लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपने देखे हैं, पता नहीं नहीं देखे, अगर देखें तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह नज़र ना लगे अंगूर को, और इस तरीके से काफ़ी सारे गुच्छे लगे हुए हैं। ये पकेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा मैं, खाने के लिए ज़रूर आऊँगा भाई, पूछ के जाऊँगा कि कब पकेंगे। माशाल्लाह हर जगह गुच्छे नज़र आ रहे होंगे आपको। चलो चाहिए टेस्ट करके देखते हैं इनको, इस वाले को जो है ना टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अभी तो भाई बहुत खट्टा है, तो मैं खट ओवर एक्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खट्टा है भाई, एकदम मुंह का टेस्ट ही चेंज हो गया। तो फिलहाल पूछ के चाहूँगा कि कब पकेंगे, खाने आऊँगा। इस बेल में खास बात एक चीज़ नज़र आती है मुझे, ये कि जब ये अंगूर ख़त्म हो जाते हैं ना तो ये सूख जाती है, मतलब इस तरीके से हो जाती है, सिर्फ ये डंडी नज़र आती है बस ऐसे करके। लेकिन जब ये अंगूर आते हैं तो ये सारी हरी भरी नज़र आने लगती है, और पत्ते भी आ जाते हैं फूल आने के बाद। अब देखें ना कितना सारा अंगूर लगा हुआ है, माशाल्लाह नज़र ना लगे तो खैर, अब देखेंगे ज़रूर इनको भी हम। इस तरीके से गुंछे लगे हुए हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ और ये बेल ऊपर को निकल गई है इसको, इसके सपोर्ट से। तो काफ़ी सारे इस बार अंगूर आए हैं, लेकिन तो खैर खाने आएंगे भाई इसको भी।